बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आज सिरमदपुर कस्बे में बावड़ी आश्रम के महंत ओंकार दास के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली लोकनाथ का मोहल्ला श्री श्याम मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य बाजारों से गुजरती हुई पुनः श्याम मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। रैली में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महंत ओंकार दास ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। देश में ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा यहाँ भी हो सकता है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों से हिंदुओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जातिवाद मिटाकर संगठित होने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदू बहनों का चीरहरण किया जा रहा है, सरकार को ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार जल्द बंद होना चाहिए। आक्रोश रैली के दौरान डॉक्टर माधव सिंह, दिलीप सिंह शेखावत, दिलीप शर्मा, मुकेश शर्मा, दीवांशु सोनीम, उमाशंकर टटेरा, सत्यनारायण सेन, पीरू ट्रेलर, पुरुषोत्तम शर्मा, शांतिलाल सोनी सहित सर्व हिंदू समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। जय श्री राम। जो बांग्लादेश के अंदर में हो रहा है हिंदुओं के साथ में, ये निहायत ही एक बहुत घटिया काम है और आज हिंदुओं को चेतने की आवश्यकता है। अगर आज हिंदू नहीं चेतते हैं तो आने वाला समय, जैसे कुछ गधे लोग हैं जो समाज में बोल रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे भारत में भी हो सकता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसे करने की सोचे थे पहले गुजरात के अंदर में, वो क्या स्थिति हुई, बाद में पूरे विश्व में रोते हैं। ऐसी मानसिकता वालों को आज हिंदू को सावधान होने की ज़रूरत है और इन पर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। और हमारा तो सबसे निवेदन है कि हिंदू अगर आज नहीं जागता है तो आने वाला समय 15 साल के अंदर अंदर बहुत भयानक होगा। इसलिए आज सबको संगठित होकर के, जातिवाद को मिटा करके और संगठित होकर के आज हिंदुओं को भविष्य सोचने की आवश्यकता है। आपका भविष्य क्या है? एक एक संतान पैदा करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाएगी, क्या क्या करेगी, कैसे करेगी? और जो देखे हैं आँखों से, पहले तो हम इतिहास में सुनते थे लेकिन आज आँखों से देखे हैं कि बांग्लादेश के अंदर कितनी दयनीय स्थिति में, कितनी बेरहमी से, कितना, मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी ढंग से जो बहनों की इज्जत लूटी गई, 10-10 आदमी और किस ढंग से कर रहे हैं, उनका चीरहरण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामले हैं और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आज आवश्यकता है। हम ऐसा मानते हैं कि आज बीजेपी सरकार है हमारी, हिंदुओं के बल पर हम ऊपर तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल से बैठे हैं, ये हिंदुओं के बल पर, मुसलमानों के वोट से नहीं है। तो उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और उनको पूरी ताकत के साथ बोलना चाहिए बांग्लादेश में तत्कालीन इसको बंद किया जाए, नहीं यहाँ। और यहाँ भी हिंदुओं को अब सोचने की आवश्यकता है, जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जो जगह जगह झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, इनको तत्काल भगाने की आवश्यकता है। आज नहीं भगाते हो तो काल यही छाती छोलेंगे, इसलिए इनको भी तुरंत भगाने की, सब हिंदुओं को चेतने की आवश्यकता है, आज जागने की आवश्यकता है, जातिवाद को मिटा करके, क्योंकि उनके नज़रों में सिर्फ हिंदू काफिर हैं, कोई उनके लिए जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय ये जो आज यहाँ लगा करके रखे हैं ना, गुजर माली और जाट यादव, ये सब लगा कर उनके नज़रों में सिर्फ हिंदू काफिर है और हिंदू हिंदू है। इसलिए हिंदुओं को संगठित होकर के, जातिवाद मिटा करके और इस पर विशेष तौर से गंभीरता से बैठ के भविष्य का चिंतन करना चाहिए। जय श्री राम।